दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो ये है वन प्लस 12 5G स्मार्टफोन। अभी हम लगाएंगे इस फोन के ऊपर यूवी टेम्पर ग्लास, और अभी जो इस फोन के ऊपर लगा हुआ ये है प्री अप्लाइड स्किन प्रोटेक्टर जो वन प्लस कंपनी की तरफ से फोन के ऊपर लगा होता है। ये प्लास्टिक की लेयर होती है पतली सी और बहुत ही जल्दी इसके ऊपर स्क्रैचिंग पड़ जाती है। और ये है बॉक्स यूवी टेम्पर ग्लास का, इसके अंदर क्या क्या होता है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक यूवी ग्लू की बोतल होती है और इस ब्लैक पाउच में इसका लगाने का सामान होता है। ये है यूवी ग्लू की बोतल, इसके अंदर यूवी ग्लू होती है और ये है इसकी यूवी लाइट, इसके थ्रू ग्लू हार्ड हो जाती है और फोन के ऊपर चिपक जाती है, यानी कि आपका टेम्पर ग्लास चिपक जाएगा। और ये है इसका टेम्पर ग्लास जो कि साइड से कर्व किया गया होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइड से कर्व है, जो डिस्प्ले का कर्व वाला पार्ट है ये उसको भी कवर कर लेता है। और इस टेम्पर ग्लास में कोई ब्लैक बॉर्डर नहीं होता, इसलिए फुली विजिबिलिटी रहती है स्क्रीन की। और इसके अंदर क्या क्या आता है, अभी ये कपड़ा निकला और क्या क्या निकलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर वाइप है और अल्कोहल का एक पाउच छोटा सा है। तो यहाँ पर इसकी हेल्प से जो ये पाउच है पूरी स्क्रीन को हमने क्लीन कर लेना है। हालांकि बीच पर तो अभी प्री अप्लाइड स्किन प्रोटेक्टर लगा हुआ था तो वहाँ पर तो डस्ट नहीं हो सकता, बट साइड में क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वहाँ पर डस्ट जरूर रह जाता है। तो इसको आपने बिल्कुल क्लीन कर लेना है और कपड़े की हेल्प से अपने इस लिक्विड को बिल्कुल ही सुखा लेना है। थोड़ी सी भी लिक्विड स्क्रीन के ऊपर नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो जो यूवी ग्लू है वो भी ख़राब हो जाएगी और जो आपका टेम्पर ग्लास है ये भी ख़राब हो जाएगा। ऑलमोस्ट डिस्प्ले सारी क्लीन है। और अब मैं क्या उतार रहा हूँ, इनकी हेल्प से आपने जो भी होल है सबको ढक देना, कहीं से भी यूवी ग्लू अंदर नहीं जानी चाहिए। ये पहली ट्रिक होती है, आप सारे होल्स को कवर कर दो जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। अभी मैंने ऊपर की तरफ इसको लगा दिया है और ऐसे ही हम नीचे की तरफ भी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको नीचे की तरफ भी लगा कर दिखा देता हूँ। और अभी जो नीचे वाले पोर्ट्स हैं उनको भी हम बिल्कुल ही कवर कर लेंगे, हालांकि इससे कवर नहीं होने वाला, मेरे पास पहले के भी पड़े हैं मैं उनका यूज़ करूँगा, जैसे कि मेरे पास पहले वाला पड़ा है इनको मैंने यूज़ किया था डस्ट को निकालने के लिए, तो वो भी हम इसके ऊपर लगा लेते हैं ताकि सारे जो पोर्ट्स हैं जो भी होल्स हैं वो बिल्कुल कवर हो जाए, कहीं से भी यूवी ग्लो अंदर नहीं जानी चाहिए। हालांकि वो इतनी जल्दी जाती नहीं है, बट कईयों का लगाने का तरीका इतना ख़राब हो जाता है वो ग्लू साइड से उनकी निकल जाती है तो होल्स में घुस जाती है, ऐसा आप ना करें। और एक और चीज़ मैं आपको बिल्कुल काम की बताऊँगा, अभी आपने बिल्कुल स्क्रीन को दोबारा से साफ़ कर लेना है, कोई भी डस्ट पार्टिकल स्क्रीन पर नहीं रहना चाहिए। जो मैं छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर कागज़ का लगा रहा हूँ इसकी हेल्प से फ़ोन थोड़ा बहुत अलाइन हो जाता है, क्योंकि कैमरा बम काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ निकला होता है तो एक तरफ से फ़ोन झुक जाता है। और अभी जो मैंने यूवी ग्लू इसके ऊपर डाली है, अभी आप देख सकते हो मैं इसको कैसे डाल रहा हूँ, आपने अच्छे से इसको डालना है और फ़ोन को पकड़ के रखना है, ये ग्लू साइड में नहीं निकल जानी चाहिए, अगर निकल गई फिर आपकी यूवी ग्लू आपको दोबारा नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये अलग अलग तीन जगहों पर डली हुई है, तो हमने इसको हिलाकर फ़ोन को एक जगह पर कर लेना है इस यूवी ग्लू को। और उससे पहले मैं इस टेम्पर ग्लास के नीचे वाली लेयर को उतार लेता हूँ एक बार, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से उतर जाती है। अभी हमने जो तीनों जगह ये यूवी ग्लू पड़ी हुई तीन चार जगह इसको हमने एक जगह इकट्ठा कर लेना है ताकि फ़ोन के ऊपर एक जगह आ जाए और टेम्पर ग्लास की भी एक जगह ये आ जाए और उसके बाद ये पूरे टेम्पर ग्लास के नीचे फैल जाए। तो यहाँ पर जैसे कि अभी बीच में टेम्पर ग्लास में इसके ऊपर रख देता हूँ और आप देख सकते हो इसने फैलना स्टार्ट कर दिया, कोई भी बबल वगैरह इसमें नहीं है और धीरे धीरे पूरे टेम्पर ग्लास के नीचे ये फैल जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना होता, क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी आप देख सकते हो ये यूवी ग्लू टेम्पर ग्लास के नीचे बहुत ही अच्छे तरीके से फैल चुकी है। और अभी आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपका टेम्पर ग्लास अच्छे से अलाइन नहीं है तो उसको आप अलाइन कर लो, क्योंकि यूवी लाइट घुमाने के बाद ये फ़ोन के ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा, बाद में आप इसको हिला डुला नहीं सकते। और अभी इस यूवी लाइट को मैं 3 से 4 मिनट तक इसके ऊपर घुमाऊँगा ताकि फ़ोन के ऊपर टेम्पर ग्लास अच्छे से चिपक जाए, क्योंकि ये करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और कई लोग 1 से 1.5 मिनट में भी इसको हटा देते हैं यूवी लाइट को, ऐसा ना करें, 3 से 4 मिनट तो आपको बिल्कुल घुमाना है। दोस्तों अभी आप देख सकते हो इस यूवी लाइट को घुमाते हुए 4 मिनट मुझे हो चुकी हैं और ये टेम्पर ग्लास बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ोन के ऊपर चिपक चुका है। ऊपर और नीचे हमने स्टिकर्स लगाए थे होल्स को कवर करने के लिए, इनको हम उतार लेते हैं। और अभी मैं आपको एक जूम करके भी दिखा देता हूँ टेम्पर ग्लास कितना अच्छे तरीके से चिपका है, कहीं पर कोई भी बबल वगैरह कुछ भी नहीं है। और साइड से इसने कितना कवर किया वो मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हल्का सा हिस्सा बचा है डिस्प्ले का वो कवर लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है, नहीं तो कवर इसको उखाड़ देगा या फिर कवर लग ही नहीं पाएगा। और कवर लगाकर भी मैं आपको ज़रूर चेक करवाऊंगा। तो ये ओरिजिनल वाला ही कवर है जो बॉक्स के अंदर आता है इस फ़ोन के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हल्का सा मार्जिन बचा हुआ है कवर और टेम्पर ग्लास के बीच में, जो कि बचा भी होना चाहिए ताकि कवर आप आसानी से लगा सको और उतार सको। और प्राइस वगैरह की बात करूँ तो प्राइस है इसका 400 रुपये और डिस्काउंट वगैरह के बाद मुझे लगभग ये पड़ा 370 रुपये का।
अगर आप भी इस टेम्पर ग्लास को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका बाय लिंक दे दूँगा जहाँ से मैंने इसको बाय किया है। और क्वालिटी वाइज तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, पूरे पूरे डिस्प्ले को इसने कवर कर लिया है और कवर भी इसके साथ आसानी से लग जाता है क्योंकि कवर लगाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना।